हेलो दोस्तों, माय बिलीफ वर्क चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ सीखते हैं। सभी मनुष्यों में आँखों की जो पुतली का रंग होता है वो अलग अलग होता है। किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है, किसी का भूरा होता है। तो इसमें आँखों के रंग जो है वो अन्नवर्णक के ऊपर निर्भर करते हैं। आयरिस के पीछे मिलेनिन नामक वर्णक पाए जाते हैं और इसी के ऊपर निर्भर करता है आंखों का रंग। कोई हरा या नीला पिगमेंट नहीं पाया जाता है, सिर्फ काले रंग का पिगमेंट पाया जाता है। मान लो किसी शिशु में बचपन से ही प्राकृतिक रूप से मिलेनिन की मात्रा बहुत अधिक है तो उसके आंखों की जो पुतली का रंग होता है वो काले कलर का होता है। अगर किसी में मिलेनिन की मात्रा कम है तो उसकी आंखों का रंग नीले कलर का होता है, और अगर किसी में बहुत ही ज़्यादा मिलेनिन की कमी होती है तो उसकी आंखों का रंग भूरे कलर का होता है। इस प्रकार से मिलेनिन वर्णक जो है आंखों के रंग का निर्धारण करते हैं। आयरिस क्या करते हैं, जो प्रकाश का तरंग धैर्य आता है उसको फैलाने का काम करते हैं, या उनके जो तरंग धैर्य उनको अवशोषित करते हैं। तो जिसका तरंग धैर्य बहुत अधिक होती है उन्हें आयरिस फैलाने का काम करते हैं, लेकिन जिसका तरंग धैर्य कम होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए जो हरे और ब्लू रंग है उसका तरंग धैर्य कम है तो वो आसानी से फैल जाता है, तो उसको फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे ही प्रकाश का तरंग धैर्य आँखों पर पड़ता है वैसे ही रंग का हमारी जो आँख है वो दिखाई देने लगती है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। माय बिलीफ वर्क चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।